वेलकम डियर फ्रेंड, दिस इज अवर्णो। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा रमेनी संख्या 8। तत्वमसी इनके उपदेशा, उनका जो उपदेश है, उनका जो ज्ञान है वो है तत्वमसी। तत्वमसी वो जो है वो तुम ही हो, इन द सेंस कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिस परमात्मा को तुम तलाश कर रहे हो वो तुम ही हो। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ज्ञान की अवस्था है, ये अहंकार की अवस्था नहीं है। यदि ये अहंकार की अवस्था है तो ये मुझे लगता है कि विश्व का सबसे खतरनाक स्टेटमेंट होगा। जब कोई खुद को ब्रह्म कह दे, सर्वशक्तिमान कह दे, और ये ज्ञान की अवस्था नहीं बल्कि उसके अहम की अवस्था हो, तो ये बहुत विनाशक और बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन यदि कोई कृष्ण जैसा या बुद्ध जैसा या कबीरदास जैसा ज्ञानी व्यक्ति इस बात को कहे, जो जान करके कहे, जो अनुभव से कहे, जो उस जमीन पर उतर करके कहे, दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्टेटमेंट दैट ह्यूमन बीइंग सेड एनी टाइम। मनुष्य ने अपने इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही वो यही कही है, तत्वमसि, कि तुम और मैं एक हैं, तुम में और मुझ में भेद नहीं है। लेकिन ये जो अवस्था है ये ज्ञान की अवस्था है, ये मूर्छा या अज्ञान की अवस्था नहीं है, ये अहंकार की अवस्था नहीं है, ये परम होश की अवस्था है। ये मूर्छा के विनाश की अवस्था है। तत्त्वमसि परमबोध की अवस्था है। दिस इज द मोस्ट द रिचेस्ट एक्सपीरियंस एनीवन एक्सपीरियंस इन द लाइफ, दैट इज द स्टेट। ये अनूठा है, ये गजब है। नथिंग इज पैरेलल टू दिस। इन द ह्यूमन लाइफ और एनी क्रिएचर्स लाइफ, जब उसके अंदर का भाव इस बात को मानता नहीं है बस जीता है, फील्स एक्सपीरियंस मींस डिविनिटी विच इज अलाइव, दैट इज तत्वमसी इनके उपदेशा। ई उपनिषद कहे संदेशा, उपनिषद भी इसी बात को कहते हैं। ई निश्चय इनके बड़ भारी, ये जो निश्चय है, ये जो डिसीजन है, ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी बात है, बड़ भारी, बहुत बड़ी बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, एंजॉय। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करे अधिकारी, इन्हीं बातों का वर्णन, वाहिक इन्हीं बातों का वर्णन करे अधिकारी। अधिकारी मतलब जो एक्सपीरियंस, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका, जिनको ये समझ बन चुकी, जो इस चेतना की इस अवस्था में पहुंच गए कि वो अपनत्व को और उसके तत्व को एक महसूस कर सके, जहां पे द्विज द्वैत्व, जहां पे दो का भेद गिर गया, जहां पे वो समझ गए दैट इज तुम्हारे होने में और मेरे होने में कोई भेद नहीं है, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज ब्लिस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज गजब। वाहिक वर्णन करे अधिकारी, जिनको, अधिकारी कौन होता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है,
और अथॉरिटी किनके पास होती है, जिनके अंदर काबिलियत होती है। तो जो काबिल हो चुके हैं, जो उस कॉन्शियसनेस के लेवल को टच कर चुके हैं, उस प्रकाष्ठा को, उस पड़ाव को पार कर चुके हैं, जो उस चोटी पर चढ़ गए, वे इसी बात का वर्णन करते हैं। क्या तत्त्वमसि, तुम में और मुझ में भेद नहीं है। पर ये ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान की। दिस इज ब्यूटी, दिस इज ब्यूटी, वंडरफुल ब्यूटी, दिस इज परम तत्व का निज परवाना। परम तत्व का निज परवाना, परम तत्व जो है, जो सर्वश्रेष्ठ है, निज परवाना, वो अपने आप में मस्त है, बिंदास है, वो अपनी धुन का मगन है, जिसको उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिशोर इट, प्राप्त नहीं किया जा सकता, उपलब्ध हो सकता है। तुम उसको बुला ना पाओगे, उसकी जब मर्जी होगी वो तब आएगा। ये बिल्कुल बारिश की तरह है, आप उसका इंतजार कर सकते हो, उसके लिए तैयार रह सकते हो, आप उसको बुला नहीं सकते। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। परम तत्व का निज परवाना, सनकादिक नारद सुख माना, सनक नारद सुख, इस बात को सबने माना है। याग्वलक्य और जनक संवादा, याग्वलक्य और जनक के बीच में जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुई थी, वो भी यही हुई थी। दत्तात्रेय वो ही रस स्वादा, और दत्तात्रेय ने भी उसी रस का स्वाद किया था। वही बात राम वशिष्ठ मिली गई, राम और वशिष्ठ जी के बीच में जो बात हुई थी, ये वही बात थी। वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, यही बात कृष्ण जी ने उद्धव को समझाई थी। वही बात जो जनक दढ़ाई, यही बात जनक जो थे उन्होंने कही थी। देह धरे विधे कहाई, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी। देह धरे विधे कहाई, हम सब देह में हैं और विधेय की बात कर रहे हैं, हम सब शरीर में हैं और हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका शरीर नहीं होता। वी आर बाइपोलर, यू नो अंडरस्टैंडिंग, वी आर बाइपोलर, हम जो दिखते हैं सिर्फ वही नहीं है। जैसे वृक्ष होता है, ऊपर जो दिखता है सिर्फ वही नहीं होता, जमीन के नीचे वो अनंत है, विराट है, फैला हुआ है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनी रूट, यू कैन एक्सप्लेन द ट्री। आप पेड़ का वर्णन कर सकते हैं, जड़ का वर्णन नहीं कर सकते। आप बता सकते हैं कि पेड़ जो होता है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इतने टहनियाँ हैं, इतने पत्ते हैं, ये है वो है, इतना हाइट है, इतना वेट है, पर जड़ें कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। दिस इज द ब्यूटी। बट वट डज इट मीन? इट मीन्स दैट हमारे पीछे, हम ऐसा मान लीजिए कि हम पेड़ हैं और हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, जो हमारी रूट है, वो अनंत है, और जो अपने एग्जिस्टेंस को समझ गया, जो अपने एग्जिस्टेंस को समझ गया, दैट इज़ ब्यूटी। थैंक यू वेरी मच।